नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और स्वागत है वंशकार के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक पूरा ओवरऑल रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास इसका ब्रोशर है, इसमें से देख के मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे हम केवल बात करने वाले एक टोयोटा की हाईराइडर जो है, ये हमारे सामने नियो ड्राइव है, इसका जो रिव्यू वीडियो है वो आपको जो है देख चुके होंगे, वो चैनल पे पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें हम टोटल बात करने वाले हैं केवल सेफ्टी फीचर्स की, इसमें हमको क्या क्या सेफ्टी फीचर्स ऑफर किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सामने से शुरुआत करेंगे, इसके सेफ्टी फीचर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अंदर तो पहले नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे सब सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमको मिलता है ये कैमरे। सामने ये आप एक कैमरा दिया गया है, जब आप कहीं पार्क कर रहे होते हैं, आपको सामने देखना है कि क्या ये कॉर्नरिंग करना है, तो वहाँ पे क्या कोई गाड़ी टच ना कर जाए, या सामने से आपको जो है ये चीज़ अच्छी हमको मिल जाती है। तो दूसरी चीज़ है यहाँ पर सामने का जो फ्रंट में आपको वो मिल जाता है सेंसर्स, तो वो एक सेफ्टी फीचर में दूसरी काम करती है। और दूसरी चीज़ है सामने में यहाँ पे ना, ये जो इसका बम्पर होते हैं सेंसर्स के पास, वहाँ पे ना एक ऐसे सेंसर लगाए गए रहते हैं जो कि जब हम गाड़ी को कहीं ठोक देते हैं तो क्या होता है कि हमारे एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं। इसीलिए जो नॉन्स है RTO का या ऐसे मतलब सामने में आप अभी जो नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, सारी गाड़ियाँ सामने जो बड़े बड़े वो बम्पर लगा लेते हैं वो अलाउड नहीं है स्टील वाले, क्योंकि वो ना फिर रोक देते हैं, तो सेफ्टी फीचर के साथ में वो फिर खतरा साबित होता है। और दूसरी चीज़ है ORBM, ये जो ORBM होता है ये भी सेफ्टी फीचर्स में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है, क्योंकि जब तक हम पीछे देखेंगे नहीं तब तक कोई हम चला ही नहीं पाएंगे गाड़ी को। इसके थ्रू हम इस 50% जो रोल है वो ये अदा करता है, क्योंकि इसमें इसके थ्रू हम पीछे कोई गाड़ी आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ जा रही है, और हम बाइक कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। हालांकि आप जो है जो IRVM है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, बाइक कैमरे के थ्रू भी कर सकते हैं अभी तो। यहाँ पे और ये DRLs, ये भी एक सेफ्टी फीचर्स। सामने आप जा रहे हैं गाड़ी और कोई आप बिना इंडिकेटर दिए तो ये भी खतरा साबित हो सकता है। और यहाँ पे भी एक कैमरा दिया गया, ये देखिए आप, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा का जो पार्ट है वो यहाँ भी है। सारे सेफ्टी फीचर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, हालांकि अभी अंदर में बाद में बात करेंगे अंदर में क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है। सबसे पहले हम बाहर की चीज़ें देख रहे हैं, तो बाहर और सेफ्टी फीचर्स अगर देखें तो यहाँ पे हमको मिलता है ये देखिए रियर पार्किंग सेंसर, ये एक सेंसर यहाँ पर दिए गए हैं एकदम कॉर्नर में। हालांकि कई गाड़ियों में इधर दिए गए रहते हैं, लेकिन अभी कॉर्नर दिए गए हैं क्योंकि ये वाला पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप इसमें सेंसर देख सकते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये चीज़ें अच्छी है। बाकी आप ये लाइट्स देख ही रहे हैं, ये भी एक सेफ्टी फीचर का काम करता है। कहीं भी आप पार्क किए हुए हैं, रोड पे हाईवे पे चल रहे हैं, गाड़ी आप खड़ी है, पीछे वाला कैसे समझेगा आप कि यहाँ पे गाड़ी है, पता चले बहुत स्पीड से आ रहा है ठोक दे, तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पर ये कैमरा दिया गया है, ये भी एक अच्छा यहाँ पर काम करता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफॉगर, ये भी एक सेफ्टी फीचर का काम करते, क्योंकि सेफ्टी फीचर सही है एक, क्योंकि डिफॉगर बरसात हो रही है, शीत पड़ा हुआ है, ये ऑन रहता है ना, करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक ये साफ़ हो जाता है, यहाँ पे कोई फॉग या यहाँ पे वाटर नहीं जम पाता। तो भाई ये कई सारी जो है फैक्टर्स हैं। बाकी डिफॉगर भी एक सेफ्टी फीचर्स में आते हैं, बाकी रियर वाइपर भी है साफ़ करने के लिए, सामने आप ड्राइव कर रहे हैं तो कैसे पीछे आपको देखना है तो इसको जो है साफ़ रहना चाहिए, तो ये जो है सेफ्टी फीचर्स का काम बखूबी निभाते हैं। बाकी ये जो हाई मोटर स्टॉप लाइन पे, ये भी सेफ्टी फीचर्स में ही आते हैं, क्योंकि ब्रेक आप लगाते हैं तो वो चीज़ पीछे वालों को पता चलनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें सेफ्टी फीचर्स में हम काउंट करते हैं। बाकी और भी कई चीज़ें हैं, वो हम चलते हैं अंदर में बैठ के आपको बताएंगे। तो अंदर में आपको, अब बाहर के तो हम ओवरऑल मोटा मोटा चीज़ें देख लिए हैं, तो सेफ्टी फीचर्स में और क्या चीज़ें हमको खास मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अब देखिए पहला सेफ्टी फीचर आपको शुरुआत में मिल जाएगा वार्निंग, यहाँ पे वार्निंग देगा सीट बेल्ट की, तो आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है गाड़ी अगर ड्राइव मोड में है तो वो वार्निंग देगा, आपको सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीट बेल्ट की। ये देखिए अभी ये आपको इन्फॉर्म किया, यहाँ पे बोल के बता रही है कि फ्यूल टैंक एकदम लो है, आप इसको इमिडिएटली फ्यूल को यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये चीज़ें हैं, ये यहाँ पे भी लो फ्यूल वार्निंग आ गई, ये सेफ्टी फीचर्स हैं, क्योंकि कहीं भी आप जा रहे हैं अचानक से फ्यूल कम हो गई, वहाँ पे आप फंस गए, तो ये हालांकि ये चीज़ें जो है
बहुत मायने रही थी, लेकिन जो आपकी जान को बचाए, आपके परिवार को बचाए, वो चीज़ बहुत मायने रखती है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ORBM की बात कर चुके हैं, IRBM देख लीजिए आप, ऑटो IRBM है यहाँ पे, डे और नाइट वाला, तो ये बहुत मायने रखती है। देखिए अभी आप देख रहे हैं पीछे का जो सीन है वो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो पीछे की चीज़ें आपको देखनी होती है कि कौन गाड़ी पीछे से आ रही है, कैसे आ रही है, तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सामने का सेंसर्स वगैरह आप देख सकते हैं, बाकी जो कैमरे से 360 डिग्री आज के गाड़ियों में आ रहे हैं नए नए, वो यहाँ से मिलते हैं। तो इस पार्किंग करते टाइम ये चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इसको तो मैं बता ही चुका हूँ। बाकी ABS, यहाँ पे ABS बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इस गाड़ी में ABS भी मिल जाता है, इंजन को जब आप ओपन करते हैं बोनेट को, वहाँ पे इसका सेगमेंट लगाया गया रहता है, तो ABS बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अचानक से आप जब ब्रेकिंग करते हैं ना तो एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा नहीं रहता है, अगर ABS EBD वगैरह रहता है तो। और ट्रैक्शन जो है कंट्रोल के बटन दिए गए हैं, ये भी सेफ्टी फीचर्स का पार्ट है। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हैं, और इसमें सेफ्टी फीचर्स में देखिए इसमें क्या दिखाया गया है कि ये 360 कैमरा, ये आप देख ही चुके हैं, कॉर्निंग करना है, बैक कैमरा देखना है, आगे का देखना है, पीछे का देखना है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओवरऑल सीट में अगर आप बैठे हैं, यहाँ पे पिटेंशनर फोर्स लिमिटर जिसे बोलते हैं, फोर्स लिमिटर बोल सकते हैं या पिटेंशनर बोल सकते हैं, तो ये जो फीचर्स है ये इसमें दिया गया है। इसका मतलब होगा कि आगे जो है एयर बैग है ये ओपन हो जाएगा अगर एक्सीडेंट होता है तो, और पीछे का जो ये सीट है ना, ये पीछे रहेगा। ओवरऑल इधर आप इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें सीट बेल्ट भी ये बंदा लगाया हुआ है जो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये देखिए कर्टन जो एयर बैग है वो यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है, हालांकि मैं एयर बैग ओपन करके नहीं दिखा सकता आपको, और इसके थ्रू दिखा सकता हूँ, ये सामने का दो एयर बैग ये है, और ये पूरा चारों तरफ का जो कर्टन एयर बैग है वो है, तो टोटल ओवरऑल 6 एयर बैग दिए गए हैं इस गाड़ी में। और जो सेफ्टी फीचर्स है वो यहाँ पे है, एडवांस बॉडी स्ट्रक्चर, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो बहुत मजबूत है, उसके वो ही टोयोटा की यार खास फीचर्स है, किसी भी गाड़ी में टोयोटा की आप देखो ना, तो जो ये जो है अपने पैसेंजर के लिए सेफ्टी के मामले में कभी समझौता नहीं करता, इसीलिए किसी भी गाड़ी में अभी तक जो है सनरूफ ही नहीं आया, और इसी गाड़ी में पहली बार सनरूफ दिया गया, हालांकि ये मारुति का भी प्रोडक्ट है एक प्रकार से, तो ऐसा है। बाकी यहाँ पे हिल होल्ड कंट्रोल दिए गए रहते हैं, हिल डिसेंट AWD मॉडल में ही केवल हिल डिसेंट का ऑप्शन आएगा। रियर 3-पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है, तो सामने से जो 3-पॉइंट पे सीट बेल्ट दिए गए हैं तो ये भी अच्छा है, सामने नहीं पीछे, पीछे 3-पॉइंट में जो है रियर साइड में जो है सीट बेल्ट दिए गए हैं, वो भी एक अच्छी बात है। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल VSC ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये यहाँ पे ऑफर किया गया है। और TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्योंकि टायर में कितना प्रेशर है उसको हम MID के थ्रू देख सकते हैं। और ABS EBD हो गया, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, तो सारी जो ब्रेक जो व्हील हैं साथ साथ सब में डिस्क ब्रेक, अभी मैंने इसको ड्राइव किया था और जब ब्रेक दबाती है ऐसा लगता है कि हाँ यार ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छी है, और ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाती हैं। और मोटा मोटा अगर देखें तो सेफ्टी फीचर्स में बहुत चीज़ जो है यहाँ पे मायने रखती हैं, कि हैंड ब्रेक्स कुछ ऐसी जो है यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स हमको मिल जाती हैं, तो सारी सेफ्टी फीचर्स का आप बखूबी ध्यान दें, आप उसको यूज़ करें, क्योंकि आप इतना पैसा खर्चा जब करते हैं तो आपको ज़रूरी हो जाता है कि हम सीट बेल्ट जब भी ड्राइव करें सीट बेल्ट लगा के चलें, और जो चीज़ें हमारा TPMS चेक करते रहें, ABS है तो बढ़िया है, आपको कोई दिक्कत नहीं, स्पीड से ब्रेकिंग करते हैं तो वो भी फ़ायदे होगी, और ये जो IRB में पीछे देखने के लिए ये भी यूज़ करें, अगर बरसात में चल रहे हैं तो रियर वाइपर वगैरह भी यूज़ करें पीछे, आप जब कहीं टर्निंग ले रहे हैं तो एक बार जो है इंडिकेटर ज़रूर जो है प्रेस करें, क्योंकि टर्निंग के दौरान हमको जो है पीछे वाला को पता नहीं होता कि आप अचानक से टर्न लेने वाले हैं। उसके बाद आप 360 डिग्री कैमरा है, आप कभी भी पार्किंग कर रहे हैं तो उसका यूज़ करें, या आप एक बार जब गाड़ी में बैठ रहे हैं तो एक बार ज़रूर 360 डिग्री कैमरा को व्यू करके ज़रूर देख लें कि हाँ हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सेफ ड्राइव करें और सही ड्राइव करें।